सत्तर वर्ष घूंघट में रहया बाद केवी रीते सफल मॉडल बनी वलसाड़ी परिणीता जुओ। जेना जीवन में घूंघट परियार हतो अने घरमांथी बहार निकले एटले घूंघटनो सहारो लेवो पड़े एवी स्थितिमां मूळ राजस्थानी परिणीताए मिसिस इंडियानो खिताब मेळव्या बाद दुबईमां योजानार इंटरनेशनल एसआर क्वीन मिसिस इंडिया पहचान मेरी कार्यक्रममां गुजरात राज्यनुं प्रतिनिधित्व करी वलसाड़नुं गौरव वधार्युं छे। दुबई अने मुंबईमां योजानार मिसिस इंडिया कॉम्पिटिशन अंगेनी वलसाड़मां योजायेली पत्रकार परिषदमां माहिती आपता सुनीता रावले जणाव्युं हतुं के 1968 तेमनो जन्म राजस्थानना सिरोही जिल्लामां सिरोही शहेरमां थयो हतो। सामान्य रीते मारवाड़ी समाज रूढिचुस्त अने परंपराओमां परोवायेलो समाज होय। नानपणथी ज तेने परंपराओनुं ज्ञान आपवामां आव्युं हतुं। 15 वर्षनी थई त्यारे मोटी बहेन साथे सुनीताना लग्न वलसाड़मां रहेता रवि रावल साथे करावડાવી દેવાયા હતા। લગ્ન બાદ રાજસ્થાનની માન્યતાઓના કારણે ઘરથી બહાર નીકળો એટલે ઘૂંઘટ આડે આવી જતો હતો। ક્યાંય પણ જાઓ એટલે ઘૂંઘટનો સહારો લેવો પડતો હતો। 2 વર્ષ પૂર્વે વલસાડમાં સાઉથ ગુજરાત ટોપ મોડલ સ્પર્ધા યોજવાની હોવાની જાણ થતાં તેણે પતિને વિશ્વાસમાં લેતા પતિએ હા પાડતા સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો। આ સ્પર્ધામાં પોતાનામાં રહેલા ટેલેન્ટના કારણે વિજેતા થતા મધ્યપ્રદેશમાં યોજાયેલા ઇન્ડિયાઝ ટોપ મોડલ સ્પર્ધામાં ભાગ લેતા મિસિસ ઇન્ડિયાનો ખિતાબ તેમને મળ્યો હતો। હાલ દુબઈ અને મુંબઈમાં યોજાનારા ઇન્ટરનેશનલ લેવલના એસઆર ક્વીન મિસિસ ઇન્ડિયા પહેચાન મેરી કોમ્પિટિશનમાં ગુજરાતમાંથી એકમાત્ર સ્પર્ધક તરીકે તેમણે ભાગ લીધો છે। આ શોમાં તારીખ 29 મેથી 1 જૂન સુધી દુબઈમાં ગ્રૂમિંગ અને ફોટોશૂટ રાઉન્ડ યોજાશે, જે બાદ તારીખ 3 જૂને મુંબઈમાં યોજાનારી સ્પર્ધાની ફાઇનલમાં શિલ્પા શેટ્ટી અને ઈશા કોપીકર નિર્ણાયકની ભૂમિકા ભજવશે। સુનીતા રાવલે જણાવ્યું હતું કે મેં સપનામાં પણ વિચાર્યું ન હતું કે જીવનમાં આવો ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવશે અને ઘૂંઘટમાંથી બહાર આવી મોડલિંગની દુનિયામાં આવી જઈશ। જીવનમાં ગમે ત્યારે શરૂઆત થઈ શકે છે। તેમણે આગામી મહિનામાં યોજાનારી સ્પર્ધાનો ટાસ્ક હોય એસઆર ક્વીન મિસિસ ઇન્ડિયાના ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ પર જઈને સુનીતા રાવલના ઓફિશિયલ આઈડી પર જઈ ફોલો કરવા વલસાડવાસીઓને અપીલ કરી છે। मिसेस इंडिया के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया है, जो इंटरनेशनल लेवल का शो है, जिसकी जज है शिल्पा शेट्टी, ईशा कोप्पिकर और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है। और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि मैं 15 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी और अब मेरा 17 साल का बेटा भी है। और अब जाकर घूंघट से बाहर निकलकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इस शो में पार्टिसिपेट किया है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पेज को लाइक करें, एसआर क्वीन के पेज को शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मैं अपने वलसाड़ का और अपने समाज का नाम रोशन कर सकूं। और मेरे समाज की जो भी महिलाएं हैं जो घूंघट में है और उनकी शादी हो गई है और सोचती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं 17 साल के बाद अपनी लाइफ में चेंज ला सकती हूँ और ये फैशन इंडस्ट्री में जा सकती हूँ, तो कोई भी लेडीज़ कभी भी कुछ भी कर सकती है। अगर उनमें भी कोई टैलेंट है और वो करना चाहती है, तो अपने फैमिली से बात करे और घूंघट से बाहर निकले और आगे बढ़े। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी ऐसा ना सोचे कि लाइफ में कुछ हो नहीं सकता है। लाइफ में कभी भी चेंजेस आ सकते हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और आगे बढ़ने की भी कोई उम्र नहीं होती है। इसलिए प्लीज़ आप सब आगे बढ़े और अपने 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 फैमिली का, अपने समाज का, अपने स्टेट का नाम रोशन करें, जैसे मैं अपने स्टेज का नाम रोशन करने जा रही हूँ। शो है 3 जून को है, जहाँ पे जज में शिल्पा शेट्टी आने वाली है, मुंबई में है। और इसकी ग्रूमिंग है इंटरनेशनल लेवल पे दुबई में, तो 28 को मैं दुबई जाऊंगी, जहाँ पे मुझे ग्रूमिंग दी जाएगी। क्रिजार हुसैन इंटरनेशनल लेवल के जो ग्रूमर है, उनसे मुझे ग्रूमिंग मिलेगी। और बहुत सारे सेशन है, डॉक्टर आएंगे जो स्किन केयर के बारे में बताएंगे, बहुत सारे फिटनेस राउंड है जो फिटनेस के बारे में हमें बताएंगे, बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिलेगी। हमारी लाइव न्यूज 24 चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, जेथी आवना न्यूज अपडेट्स नी नोटिफिकेशन आप सुधी सौथी पहला पहुंचे।